बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लिटरेचर की फील्ड में एक बहुत अहम चीज़ जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लॉट स्ट्रक्चर क्या होती है। ड्रामा या नावल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्लॉट जो है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन सी उसमें अहम चीज़ें एलिमेंट्स उसके होते हैं, आए उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। सो लेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली सिक्स एलिमेंट्स हैं ये प्लॉट स्ट्रक्चर के। प्लॉट बेसिकली क्या होता है, आपको पता है, कहानी होती है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, मतलब वाक़ियात की एक चेन होती है जिसके गिर्द मेन स्टोरी जो है ड्रामा या नावल जो है उसकी स्टोरी घूम रही होती है। तो हमारे पास प्लॉट स्ट्रक्चर में कौन से छः एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। पहला है एक्सपोजिशन या बिगिनिंग, दूसरा होता है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा अहम एलिमेंट हमारे पास है राइजिंग एक्शन, इसी तरह हमारे पास फोर्थ वन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है क्लाइमैक्स, और फिफ्थ वन जो हमारे पास है वो है फॉलिंग एक्शन। इसी तरह सिक्स्थ एलिमेंट जो लास्ट है वो है डेन्यूमेंट या रेजोल्यूशन। तो डेन्यूमेंट या रेजोल्यूशन इस ये स्टोरी की एंडिंग होती है। तो आए हम इनको अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है प्लॉट स्ट्रक्चर का जो कि हम ड्रामा या नावल में देखते हैं वो उसकी एक्सपोजिशन होती है या बिगिनिंग। तो स्टार्ट करेंगे इसको। एक्सपोजिशन या बिगिनिंग क्या है, स्टोरी का जो स्टार्ट होता है ना, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, व्हेन सेटिंग, जब नॉवल की या ड्रामा की सेटिंग दिखाई जाती है एंड मेन करेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड या उसके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है बिल्कुल स्टार्ट में, उसको हम एक्सपोजिशन या बिगिनिंग कहते हैं। तो इसकी मिसाल मैं दूंगा आपको, जैसे हमारे पास एक शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, ट्रेजेडी है ओथेलो। तो ओथेलो की जो सेटिंग है अगर उसकी हम बात करें तो यूरोप में वीनस, इटली जो है वो, या साइप्रस, ये जगह हैं जहाँ पे हमें उस ड्रामा जो है ओथेलो उसकी सेटिंग नज़र आती है। इसी तरह स्टार्ट में ये सेटिंग है, और इसके अलावा जो है हमें ये चीज़ जो है पता चलती है कि ओथेलो सीक्रेटली मैरिज डेस्टिमोना, ठीक है। तो ये दो अहम बातें हैं जो कि हमें एक्सपोजिशन में या बिगिनिंग में मिलती हैं। तो आए अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। इट्स नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट इन प्लॉट स्ट्रक्चर। तो दूसरे हम पॉइंट की बात करते हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है व्यूअर, स्ट्रगल बिटवीन प्रोटैगोनिस्ट या एंटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट एज यू नो इज़ द हीरो और द सेंट्रल और मेन करेक्टर इन ड्रामा और नावल, जबकि एंटैगोनिस्ट जो होता है ये हीरो के अगेंस्ट जो है रिएक्ट करने वाला बंदा होता है, करेक्टर होता है। तो इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई हमें नज़र आती है स्टार्ट पे, जो राइज करती कश्मकश जो नज़र आती है उसी को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये दूसरा अहम एलिमेंट होता है। इसके अलावा इसको आप मेजर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं जो कि हमें स्टार्ट में नॉवल में या ड्रामा में नज़र आती है। इसी तरह स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, दो मुखालिफ फोर्सेस जो हैं उनमें स्ट्रगल या कश्मकश या कॉन्फ्लिक्ट जो हमें नज़र आता है वो उसका दूसरा अहम एलिमेंट होता है। तो अपोजिंग फोर्सेस से क्या मुराद है स्टूडेंट, इससे मुराद वही है प्रोटैगोनिस्ट और एंटैगोनिस्ट, ठीक है। तो इसकी हम मिसाल देखेंगे कैसे हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है ओथेलो में, जब कहानी स्टार्ट होती है। ओथेलो एंड डेस्टिमोना मैरी, वो शादी करते हैं डिस्पाइट रेशियल, रेस से वर्ड निकला है नस्ल, रेशियल डिफरेंस, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू होता है। जैसे कि ओथेलो जो है यू नो स्याह फॉर्म है, ब्लैक स्किन्ड है, और डेस्टिमोना जो है वो गोरी है, वाइट स्किन्ड है, तो ये चीज़ भी उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करती है। इसके अलावा जो है देयर रिलेशन इज सैबोटेज्ड बाय इयागो। इयागो जो कि इसमें विलन है वो इन दोनों के रिलेशन को जो है स्टार्ट में ही ख़राब करने के लिए, तबाह करने के लिए जो साजिश वगैरह शुरू कर देता है, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हमें निकलता हुआ उभरता हुआ नज़र आता है। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। तो तीसरी अहम चीज़ हमारे पास होती है राइजिंग एक्शन, ठीक है। तो राइजिंग एक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा है, जब कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ज़्यादा होना शुरू होता है उसको हम राइजिंग एक्शन कहते हैं। देखें जैसे द मूवमेंट, वो लम्हा इन द स्टोरी वेयर, जहाँ द कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजेस,
तो वो कशमकश, वो लड़ाई जो है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो ज़्यादा होना जो शुरू हो जाता है, तो वो राइजिंग एक्शन उसको हम कहते हैं। जैसे कि यागो जो है फर्दर जो है इस चीज़ को प्लान करता है, ऑडियंस को बताता है कि उसने कैसे स्प्लिट करना है या रोइन करना है, कैसे तबाह करना है, ओथेलो और डेस्टिमोना का जो एक रिलेशन है उसको कैसे उसने तबाह बर्बाद करना है। तो यहाँ से हमें राइजिंग एक्शन नज़र आता है कि इन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मज़ीद बढ़ने की तरफ चला जाता है। स्टूडेंट, फोर्थ अहम तरीन जो एलिमेंट है इसमें प्लॉट स्ट्रक्चर में, वो हमारे पास होता है क्लाइमेक्स। राइजिंग एक्शन के बाद जो अगला अहम पॉइंट होता है वो क्लाइमेक्स, जब स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट अपने उरूज को पहुंच जाता है। तो देखें क्लाइमेक्स क्या है, द मोमेंट, वो लम्हा व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट, या द मोमेंट ऑफ द हाईएस्ट टेंशन इन द स्टोरी, जब उसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी हमें नज़र आती है, या अ सडन चेंज इन द स्टोरी, कोई ऐसा वाक़या जो कि सारा उसकी एक हालात को ही बदल दे अचानक। ठीक है, द मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट इन द एक्शन, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें कॉन्फ्लिक्ट अपनी जो पीक पे पहुंच जाता हो, उसमें एक्साइटमेंट, उसमें थ्रिल, एक्शन सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो फोर्थ पॉइंट होता है जी क्लाइमेक्स। इससे हम ओथेलो से बात करेंगे कि इसमें हमें क्लाइमेक्स क्या नज़र आता है, जहाँ से हालात जो है ना बहुत संगीन नोयत की तरफ चले जाते हैं। यागो क्या करता है, प्लांट्स डेस्टिमोनाज हैंडकरचीफ इन कैशोस रूम। ठीक है, तो डेस्टिमोना के पास जो रुमाल है, हैंडकरचीफ है उसका, ओथेलो का, यागो क्या करता है अपने विलनस एक्शंस के ज़रिए वो रुमाल जो है वो कैशो के रूम में रखवा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से यागो जो है वो ओथेलो के जहन में जो एक शक है, जो डाउट का एलिमेंट है कैशो के मुतालिक और डेस्टिमोना के मुतालिक, उसको मज़ीद इनविगोरेट कर देता है, मज़बूत बना देता है। यागो जो है वो ओथेलो पे, ओथेलो जो है वो यागो पे बिलीव कर लेता है। सॉरी, यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इस बात पर जो है ओथेलो जो है उसको इस पे यकीन आ जाता है, इसकी होती तो साजिश है यागो की, वो रुमाल वाली। ठीक है, और ओथेलो जो है इस जगह पर जो है अपना माइंड बना लेता है डेस्टिमोना को कत्ल करने का। स्टूडेंट, अब हमारे पास फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है प्लॉट स्ट्रक्चर जो है ड्रामा की, वो है फॉलिंग एक्शन। क्लाइमैक्स हमने देखा, जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है। ठीक है, तब हालात की कोई इंटेंसिटी जो है वो बहुत संगीन हो जाती है। ठीक है, जब ओथेलो जो है वो या उसको डेस्टिमोना को मारने का सोचता है। ठीक है, तो वो क्लाइमेक्स था, उसके बाद आपको फॉलिंग एक्शन नज़र आता है। तो फॉलिंग एक्शन क्या होता है कि हालात एक दफ़ा इंटेंसिटी की तरफ पहुंच जाने के बाद जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये वो होता है, इवेंट्स लीडिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ऐसे इवेंट को, ऐसा वाक़या जो कि अब स्टोरी की एंडिंग की तरफ जा रहा हो, या द पॉइंट, वो लम्हा वेयर कॉन्फ्लिक्ट डिक्रीजेस, जहाँ पे वो एक दफ़ा क्लाइमेक्स पे पहुँचने के बाद जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो हम ओथेलो इस प्ले से इसकी मिसाल लेंगे कि ओथेलो समदर डेस्टिमोना, ओथेलो ने डेस्टिमोना को समदर कर दिया, गला घोंट के मार दिया, यानी कि स्टोरी जो है अपनी एंडिंग की तरफ यहाँ पे आना शुरू हो गई। ठीक है, तो इसके साथ साथ यागो जो है अटेम्प्ट्स टू किल कैशो, वो कैशो को मारने की कोशिश करता है, बट इमिलिया जो उसकी वाइफ है एक्सपोजेस हिज हस्बैंड यागो, वो खुद इसको एक्सपोज कर देती है। तो यहाँ पे आके जो है हालात वाक़यात अपनी जो एक इन अंजाम है उसकी तरफ पहुंच चुके होते हैं, तो इसको फॉलिंग एक्शन कहते हैं, जो कि स्टोरी की एंडिंग की तरफ उसको इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट पॉइंट है, उसको डेन्यूमेंट या रेजोल्यूशन कहते हैं, या स्टोरी की जो प्रॉपर एंडिंग आ जाती है, हो जाती है, उसको हम कहते हैं, यानी कि स्टोरी का जो एंड है उसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन या डेन्यूमेंट या आउटकम ऑफ स्टोरी या उसका कंक्लूजन। जैसे इसकी हम इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे,
इस प्ले ओथेलो से कि ओथेलो किल्स हिमसेल्फ। तो लास्ट में, बिल्कुल जब लास्ट में स्टोरी के हमें पता चलता है कि ओथेलो जो है वो अपनी इस गलती की बिना पर जो वो कर बैठता है, एक शक की बिना पर डेस्टिमोना को मार देता है, उसके बाद खुद को मार लेता है। इयागो जो है इसका भी पता चल जाता है, इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट, ये प्लॉट स्ट्रक्चर के 6 अहम तरीन एलिमेंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह की मज़ीद इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल जो है इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको, और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि आपको आने हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।